इस पूरे वेबिनार को यूट्यूब पे भी कर सकता था, बट यूट्यूब पे ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर आप फोकस होके हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते, और आराम से आप पेशेंस के साथ 1 घंटे समझ नहीं पाते क्योंकि 10-5 और नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ठीक है, तो आप सबको मैं क्या बोलते हैं बात करने को टाइम दूंगा। ठीक है, बट पहले अभी हम मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा आप हमको दे दो, उसके बाद 1 घंटा मैं आपको दूंगा। ठीक है जी, पर जैसे कि प्रणौती अपना माइक ऑन करना, सबको ही आप लोग अपना माइक आराम से ऑन कर सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट कि 1 घंटा आप मुझे दे दो सो दैट कि आप समझ जाओ कि बीम होता क्या है। उसके बाद आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको पहले बता दूँ, बीम होता क्या है, बीम में क्या क्या सैलरी पैकेज मिल सकते हैं, बीम में कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, मतलब पहले कौन सी प्रोफाइल आपको अचीव होगी, फिर दूसरी प्रोफाइल कौन सी होगी, फिर तीसरी प्रोफाइल कौन सी होगी, आपको सारी प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज पूरा काम होने वाला है। आपको बीच में अगर कुछ भी बोलना है तो आप अपना मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ लोग अभी माइक ट्राई कर रहे हैं कि माइक देखते हैं कि चलता है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो माइक बिल्कुल चलेगा आपका, 1 घंटा मेरा है, इसके बाद नेक्स्ट 1 घंटा आपका है। तो उसमें जैसे कि आप लोग कई लोग माइक ऑन करने की अभी कोशिश कर रहे हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसके वजह से क्या बोलते हैं आप मुझे 1 घंटा दो, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिसको भी माइक ऑन करना रहेगा कर लेना। अब इसमें आपके पेशेंस का परीक्षा होगा, एग्जाम होगा कि कितने लोग पेशेंस के साथ 1 घंटा अपने आप को डेडिकेशन के साथ यहाँ रोक पाते हैं, और आई थिंक वही राइट पर्सन होंगे टू नो अबाउट बीम। ठीक है, ठीक है, उनके बाद उनको जितना क्वेश्चन पूछना होगा, क्या बात है अमित भी आ गए हैं, तो जितना क्वेश्चन आपको पूछना होगा यू कैन आस्क। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश माई टॉपिक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वट एग्जैक्टली बीम, उसके बाद तुम्हारे अंदर जो डाउट वैसे तो डाउट्स मैक्सिमम मैं क्लियर कर लूँगा। फिर भी कुछ रहा तो आप माइक ऑन करके आराम से एक एक करके पूछ लेना। ठीक है, तो इस टॉपिक को ऐप पर करने का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि आप फोकस होके 1 घंटा सुन सकते हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आराम से आप बैठिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, स्मार्ट तरीके से जितना अच्छे तरीके से और कम टाइम में फिनिश हो जाए। मुझे पता है आज के टाइम में पेशेंस की बड़ी कमी हो गई है लोगों के अंदर, तो उस हिसाब से ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो जी, और क्या बोलते हैं किसी को कुछ भी रहेगा बीच में तो आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल सकते हो अपने क्वेश्चंस को। और रही बात की माइक ऑन करने की, तो मुझे जस्ट 50 से 55 मिनट देना, मतलब 1 घंटा मेरा है एक्चुअली, 1 घंटा आपका है, भर भर के क्वेश्चन पूछना, दिल की जितनी भड़ास होगी सब निकालना। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जॉब में कैसे जा सकते हो, ये भी तुमको हम बताएंगे, और क्या आसान तरीके हैं उसके लिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, और फोकस होके 1 घंटा आप हमको दीजिए। ठीक है, अब जो 1 घंटे बाद रहेंगे वही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि 1 घंटा भी बड़ी बात है। चलो देखते हैं बीम होता क्या है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, बीच में जिसके भी क्वेश्चंस आएंगे आपका चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है, सो डोंट वरी, आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। ठीक है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट बीम कि व्हाट इज बीम, उसके साथ ये डिस्कस करेंगे इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के अंदर कौन कौन सी मिलती हैं, सैलरी पे क्या रहता है ये भी डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जॉब कैसे पा सकते हो ये भी डिस्कस करेंगे। क्या बात है आशीष, बहुत दिन बाद, कैसे हो? ये बहुत मेरा ओल्ड स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपके साथ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है जी, बीम क्या होता है पहले एक बार किताबी भाषा में भी बताऊंगा, फिर एक प्रैक्टिकल भाषा में भी बताऊंगा कि व्हाट इज बीम, गॉट इट? सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बीम के बारे में। ठीक है, आप बोलोगे सर बीम मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, हाँ हाँ पता है मुझे भी वो फुल फॉर्म है, लेकिन बीम क्या होता है डीप में समझना पड़ेगा ना दोस्त। ठीक है, और इसको आसान भाषा में बताना हो, एक वर्ड में बताना हो तो मैं बता दूं कि जो भी कुछ आप ऑन साइट एग्जीक्यूट करते हो, जो भी कुछ आप, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, जो भी कुछ आप ऑन साइट एग्जीक्यूट करते हो वो सारी चीजों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीम। समझ गए क्या? ठीक है, जैसे कि आप जाते हो ना क्या बोलते हैं अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, प्रपोज किए पता चले रिजेक्ट हो गए, कहीं थप्पड़ ऊपर पे बात आ गई तो दिक्कत हो जाएगा, तो प्रपोज करने से पहले आप क्या करते हो मैसेज भेजकर ट्राई मारते हो ना, तो वैसे ही ये बीम है। ठीक है, प्रपोज करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, पहले पता कर लेते हैं इस बीम के माध्यम से। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं।
व्हाट इज बीम? तो बीआईएम इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थ्रू आउट इस होल लाइफ साइकिल. सब कुछ चेक कर लेना, मतलब ईच एंड एवरी थिंग बीआईएम के अंदर चेक कर लेना कि भाई कल को आपके जो बिल्डिंग बनाओगे, पता चला आपने बहुत अच्छा 10 करोड़ रुपए लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आपके 5 फ्लैट्स ऐसे हैं, 5 यूनिट्स ऐसी हैं जिसके अंदर वेंटिलेशन ही नहीं आ रहा है, और अगर एक यूनिट का प्राइस 1 CR है और 5 यूनिट आपके सेल नहीं हो रहे हैं या फिर आधे दाम पे सेल हुए, तो आपका कितना पैसा कल खराब हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए, नींद नहीं आएगी. तो होल लाइफ साइकिल एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस अ कोऑर्डिनेट डिजिटल डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिल्ड एज डेवलप. मतलब सब कुछ चेक कर लेना, यहाँ तक कि सोलर पैनल से कितना करेंट आएगा, ठीक है, आपके गार्डन से कितना ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, आपके जिम में कितने लोग वहां पर एक साथ अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में कितने लोग नहा सकते हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी है, ईच एंड एवरी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेना. इवन कि कैमरा लगे हैं तो कौन सा कैमरा कितने एरिया को कवर करेगा, कोई एरिया ऐसा तो नहीं है जहां पर कैमरा एग्जैक्टली नहीं पहुंच पा रहा है, पता चला वहीं से गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो आपका कुछ भी कवर, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जो बच जाए, ये सब कुछ यहां पर कवर किया जाता है. यूजिंग अ सेट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब लिफ्ट तक को चेक किया जाता है. इट इज लाइकली दैट दिस डिजिटल डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिच 3D मॉडल. ठीक, इंफॉर्मेशन रिच 3D मॉडल, इस वर्ड को मतलब समझना, मतलब इतना ढेर सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाता है कि उससे इंसान एकदम सारी इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाता है. अब बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन तो ऑटोकैड से भी मिलता था, फिर ये बीआईएम की क्या जरूरत है? करेक्ट बोल रहे हो आप, लेकिन ऑटोकैड में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलता था और उसको समझने में भी बड़ा टफनेस हो जाता था. तो अभी क्या हो रहा है, अभी सब कुछ 3D में दिखता है ना. जस्ट लाइक कि अभी आप किताबें पढ़ना कम पसंद करते हो, यूट्यूब के वीडियोस देखना ज़्यादा प्रीफर करते हो. क्यों? क्योंकि वीडियोस में आपको ईच एंड एवरी एंगल्स बहुत डीपली मिल जाता है और आसान तरीके से मिल जाता है. मॉडल एंड एसोसिएट स्ट्रक्चरल डाटा सच एज प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन एंड हैंड ओवर इंफॉर्मेशन, मतलब एग्जैक्टली जब सबमिट करना है प्रोजेक्ट वहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन बीम के अंदर मिल जाती है. मतलब बस ऑनर को क्या करना है, चाबी पकड़ाना है. यहाँ तक का सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला लैपटॉप पे मैं अपने रूम में बैठ के कर लिया, 10 करोड़ रुपए में से मैंने 10 रुपए भी नहीं लगाए. सारा काम कहाँ कर लिया, सारा काम कर लिया मैंने आपके जस्ट क्या बोलते हैं लैपटॉप पे. लैपटॉप में अगर कुछ काम किया, सेव है पूरी की पूरी फाइल, खराब हो गई कोई टेंशन नहीं है, फिर से बना लेंगे. लेकिन अगर आपके कहीं पर ऐसा हो गया होता कि आप अगर ऑन साइट एग्जीक्यूट करते, कोई फ्लैट खराब हो जाता, कोई भी फैसिलिटी खराब हो जाती, तो लॉस होता आपका. तो वहां पर पैसे का लॉस था, यहाँ पर लॉस है लेकिन टाइम का, वो भी लिमिटेड. आप लोगों के साथ थोड़ी इजी डिफिनेशन बता दीजिए कि अगर कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि व्हाट इज बीम, तो सेकंड नंबर इजी डिफिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी दुकान से. इंफॉर्मेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, सेकेंड नंबर ध्यान से देखना, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज एन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर मॉडलिंग प्रोसेस. इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर मॉडलिंग प्रोसेस that architect, engineers and contractor can be used to collaborate on the building design, construction and operations. ठीक है, मतलब इसमें contractor भी, architect भी, engineer भी, सब collab करके एक ही platform पे काम कर पाते हैं. इसके अंदर आगे deep में जैसे BIM 360 अगर आपने कभी नाम सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें include हो जाती हैं. मतलब एक मॉडल दिखाया, उस मॉडल में जो जो डिस्कशन, जो जो जिसको जिसको प्रॉब्लम है, सब कुछ डिस्कस कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीम. तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा, जो ऑन साइट हम कर रहे थे वही चीज़ को हम पहले लैपटॉप पे कर लें. क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होता है, कुछ भी बनवाया और बनवाने के बाद में देखा कि यार उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही है. तो कई बार आप लोग सोच देखे होंगे ना कि एलिवेशन को तोड़वा दिया और तोड़वाने के बाद फिर दूसरा एलिवेशन का प्लान किया, बट उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है. अगर काश यही चीज़ मैं लैपटॉप पे पहले डिज़ाइन कर लिया होता, अच्छी से मॉडलिंग कर लिया होता, क्लाइंट को नहीं पसंद आता, डिलीट कर देता, फिर से बना लेता, ठीक है, तो उससे क्या होता, हमेशा के लिए आपका पैसा बचता और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती. आप में से कई लोग सोच रहे हैं ठीक है सर, लेकिन हम बीआईएम को यूज क्यों करें? तो बीआईएम को यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको बेनिफिट बता देता हूँ, ठीक है.
आप वैसे कई लोग सोचते हैं ना कि सर हम कोई चीज़ को यूज क्यों करें, हम बाइक खरीद रहे हैं तो बाइक ये वाली क्यों खरीदें, बेनिफिट्स क्या है। BIM हम सीख रहे हैं तो BIM क्यों सीखें, तो आइए बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला बेनिफिट है कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, बहुत ही अच्छी रिलायबिलिटी मिलती है, ठीक है, मतलब कि आपको एकदम फिनिशिंग के साथ सारा काम मिलता है। रिलायबिलिटी मतलब एक्यूरेसी, विश्वसनीयता के साथ पूरा का पूरा एकदम मुझे पता है कि अगर यहाँ पर ड्राइंग बन चुकी है और ऐसे मॉडल बन चुका है जिसको हम ऑन साइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऑपरेशन बीम इंजीनियर के माध्यम से पूरा फिनिशिंग कर दिया गया है। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिल जाता है BIM से, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम सेविंग टेक्निक्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कब कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कब किस इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं बीम के अंदर पहले से डिफाइन कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है, अगर शटरिंग की कितनी आवश्यकता मुझे कब पड़ेगी उसको भी हम इसके अंदर एनालिसिस कर लेते हैं। कब गार्डन के लिए कब क्या करना है, कब टाइल्स मंगवाना है और कितना टाइल्स मंगवाना है, वो सब कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका एक भी MM खराब ना हो। वैसे 1 MM हो जाता है, मजाक कर रहा हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी आपका वेस्टेज ना जाए, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस इसके अंदर निकाल लेते हैं। कैमरा हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने घरों में हम लोग, मान लो कि तुमने मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल लेने के बाद सोचा कि सेल्फी खींचेंगे, लेकिन जब सेल्फी खींच कर देखा तो पता चला कि सेल्फी में वो लेवल नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कि लड़कियों के साथ फिल्टर का प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो फिल्टर एग्जैक्टली वो अच्छा वाला नहीं है, फिर लगता है अरे यार क्यों मोबाइल खरीद लिया, अब तो दूसरा मोबाइल खरीदना पड़ता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो दूसरा खरीदता है। लेकिन काश ऐसा होता कि मोबाइल का कैमरा पहले हम चेक कर लेते, वैसे मतलब होता भी है कई ढेर सारे स्टोर्स पे, तो वहाँ पर अपना सेल्फी उल्फी ले लेते, अगर पसंद आता तो उसको चूज़ करते। तो इसके अंदर BIM के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, कैमरा लगा के आप देख लो कैमरा आपके पूरे रेंज को कवर कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो चेंज करके दूसरा कैमरा, अभी खरीदे नहीं हो दूसरा कैमरा लगा दो। तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस यहाँ पर बहुत ढेर सारे हैं, तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, पहले के दौर पर जब हम लोग स्टार्ट किए थे अपनी जॉब की जर्नी को, तो मैं ड्राफ्टमैन था, तो ड्राफ्टमैन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं सिविल का ड्राफ्टमैन था, तो मुझे जब भी कोई इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन से बात करनी होती थी तो मैं उसको फाइल को मेल करता था, उसके बाद वो पॉइंट्स क्रिएट करता था, आज मेल किया 2 से 3 दिन बाद उसके तरफ से रिप्लाई आता था। काम करने में इतनी टफनेस होती थी कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता था क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में मैंने उसको फ़ोन किया, भाई BIM 360 अपनी लॉगिन करो, ठीक है, इस ड्राइंग पर काम कर रहे हैं, फटाफट बताओ कहाँ कहाँ पॉइंट रखना है। तो रेबिट के अंदर ही वो MEP पे बैठ के काम कर रहा है, आप आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पे बैठ के काम कर रहे हो, इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, ठीक है। एक बंदे को फोन किया, भाई नेविस वर्क में फाइल को ले लो, जहाँ जहाँ क्लैस हो रहा है, क्लैस मतलब होता है आगे पढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ क्लैस हो रहा है फटाफट बताते जाओ, सॉल्व करते जाए, तो काम जल्दी होने लगा है। 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स, ये क्या होता है भाई, ये भी इसके अंदर हो जाता है, आप पूरा का पूरा 3D प्रिंट निकाल सकते हो। मतलब आप लोगों ने भी कहीं अगर फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए गए हो या फिर देखने के लिए गए हो तो सोसाइटी के बाहर एक बड़ा सा मॉडल बना देते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में थर्माकोल का बनाते थे ना, ठीक है, वैसा एग्जैक्टली मॉडल बना देते हैं, 3D प्रिंटर मॉकअप्स बोलते हैं, जिससे ये विजुलाइज हो जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ इस बालकनी में बैठूंगा तो कैसा व्यू आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, अच्छा ये मेरे रूम से गार्डन कितना दूरी पर रहेगा, फुल जो फुटबॉल का स्टेडियम बना हुआ है छोटा सा बच्चों का, वो कितने दूर पर रहेगा, सो दैट कि हम देख पाएंगे क्या ग्रीन लीज वगैरह को, ठीक है। तो 3D प्रिंटर मॉकअप से पूरा आइडिया लग जाता है कि मेरा फ्रेंड कैसे बनाएगा, किसी ने देखा जरूर होगा, कमेंट करके बताना 3D प्रिंटर मॉकअप देखा है, जैसे हम लोग स्कूल में थर्माकोल का प्रोजेक्ट सबमिट करते थे वैसा ही अभी 3D प्रिंटर मॉकअप्स बनाते हैं, और उसमें दिखा देंगे गार्डन यहाँ लगाएंगे, लाइट यहाँ लगाएंगे, एवरी इन्फॉर्मेशन, तो बड़ा अच्छे से विजुलाइज हो जाता है कि अच्छा अभी फ्लैट बना नहीं है लेकिन लोग बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 3D प्रिंटिंग मॉकअप देख के, ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया लग जाता है कि हमारा जो बनने वाला है एकदम मस्त बनने वाला है। नेक्स्ट है दोस्त सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब होता है सबको मिक्स करके एक एनिमेशन व्यू में, हाँ देखो जय परमान ने देखा है, वेरी गुड, ठीक है, तो सिमुलेशन मतलब होता है कि जस्ट एक लाइक सबको मिक्स करके एक एनिमेशन वीडियो बना लिया कि हमारा काम इस महीने में इतना हो जाएगा, इस महीने में इतना हो जाएगा, इस महीने में इतना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई आज के टाइम में सबको जल्दी चाहिए, आज के टाइम में, ठीक है, सबको क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, तो जल्दी के लिए सबसे बड़ी समस्या है ना कि अगर जल्दी चाहिए तो पहले दोस्त आपको सब कुछ तैयारी रखना पड़ेगा ना पहले से, तो तैयारी रखने के लिए आप सिमुलेशंस कर सकते हो कि भाई हम कब पोजीशन दे देंगे। अगर आप बिल्डर हो तो आप इस दुख को बहुत अच्छे से पहचानोगे, अगर आपने बोल दिया 2025 में मॉडल दे दूंगा
तो अभी रेरा ने रूल लगा दिया है कि 2025 से 1 महीना बिल बेटा लेट हुआ ना तो तुमको पूरा ब्याज भर के देना पड़ेगा क्लाइंट को। अरे बड़ी समस्या है। और अगर तुमने बोल दिया कि नहीं नहीं तब मैं 2027 में दूंगा, तुम्हारा फ्लैट कोई बुक ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं पागल हूँ क्या कि मैं 5 साल वेट करूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से एग्जैक्टली टाइम पीरियड निकाला पड़ता है कि कब हम इनको दे सकते हैं कम से कम टाइम पीरियड में। चलो नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कब किस सामान की रिक्वायरमेंट है। हमको 5,000 बैग सीमेंट चाहिए, बट एक साथ लेके हम क्या करेंगे, काहे को हम इसको एक साथ लेके स्टोरेज का पैसा भरेंगे। राइट, डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, उसका पैसा भरोगे। उससे बेटर है कि कम कम क्वांटिटी, कब कितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना मंगवाते जाएं। उसी हिसाब से ब्रिक का भी केस है, उसी हिसाब से स्टील का केस है, कब कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मंगवाओ। तो इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट भी बीम के अंदर कर सकते हो। स्कैडा एंड बीएमएस, बीएमएस मतलब होता है बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विस। कब कैसे मेंटेन करना है सब कुछ, लाइटिंग का सिस्टम कैसे कैसे रखना है, होल इन्फॉर्मेशन हम लोग बीआईएम के अंदर निकाल लेते हैं। कैमरा अगर एग्जैक्टली जल रहा है तो कैसे ऑटोमेशन पर जाएगा, इवनिंग के 6 बजे का अपने आप लाइट्स कैसे जलने लगेंगी। ठीक है, अगर सुबह का 8 बजे तो कैसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से ऑटोमेटिक पानी जाने लगेगा। दैट ऑल थिंग्स इसको स्मार्ट बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बीम के अंदर पढ़ाते हैं बट वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें शायद ना डिटेल डिस्कस कर पाऊँ। स्मार्ट बिल्डिंग मतलब होता है कि एग्जैक्टली आप 6 बजे अपने ऑफिस एग्जिट किए, बिना एसी को ऑफ किए ऑटोमेटिक एसी ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाए। आप जैसे ही 10 बजे एंट्री करो, आपके एंट्री से पहले बिल्डिंग को पता चल जाए कि 10 बजे बोर्ड मीटिंग होती है, तो 9:30 बजे एसी ऑन कर दे, जिससे आप रूम में जैसे ही घुसो एकदम कूलिंग महसूस हो, ठंडा महसूस हो। तो ये स्मार्ट बिल्डिंग के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, वो बीम के अंदर होता है। वो बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, कैसे क्या क्या आगे हैंडल करना है, क्योंकि इसके अंदर आप होता है ना कि रेट्रोफिटिंग का भी पूरा काम आपको इसमें देखना पड़ेगा। कल को ऑपरेशन होने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या क्या रोल रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड कैसे एंट्री करवाएगा, तो कोई फ्रॉड वाला इंसान तो नहीं घुस जाएगा सोसाइटी के अंदर। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, उसको हम समझ सकते हैं अच्छे से, उसका शेड्यूलिंग कर सकते हैं। नहीं, स्कैन करेंगे, ऑनर को भेजेंगे, ऑनर अलाउ करेगा तभी उसको एंट्री देंगे। अभी बहुत ढेर सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ये सब हो चुका है, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है, बट मैंने शॉर्ट में आपको डिफाइन किया है। बीआईएम प्रोजेक्ट, भैया बताओ कि बीआईएम के अंदर किस किस तरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मुझे अपनी दुकान खोलनी है, लेकिन किस किस तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो बीआईएम के अंदर दोस्त आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग का भी काम कर सकते हो। ठीक है, जो लोग अभी नए आ रहे हैं पेशेंस रखना। ठीक है, आपको टाइम दूंगा, आप अपना माइक ऑन करके एक एक क्वेश्चन डिटेल में पूछना, लेकिन अभी 1 घंटा मेरा है। ठीक है, तो मेरे 1 घंटे को मत छीनो, मैं आपके 1 घंटे को नहीं छीनूंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, सर्विस, और हाँ बीच में कुछ लगे तो मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज बॉक्स है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, दूसरा है सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग, तीसरा है क्लास व्यू मॉडलिंग, चौथा है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, ऑफिस स्पेस इंटीरियर, कॉमर्शियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर, ये सारे काम में आप बीआईएम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, और बहुत ही इफेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे तो सर मतलब कि एक सर्विस प्लानिंग क्या होता है, क्लास व्यू क्या होता है, समझ में नहीं आया। रुको, थोड़ा सा बताता हूँ, पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें बहुत सारे ना, रेसिडेंशियल है, सर्विस है, क्लास है, स्ट्रक्चर्स है, ऑफिस है, मतलब पूरी दुकान है। तो हम लोग एक एक करके सबको डीप में समझते हैं कि भाई रेसिडेंशियल के अंदर अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कि 2 लोग गए प्रोजेक्ट करने के लिए, एक अनुराग गए और एक परमार गए, 2 लोग गए और मैं क्लाइंट हूँ, मैं क्या हूँ, क्लाइंट हूँ। आप दोनों लोग मेरे पास आए और आप दोनों लोगों ने बोला कि सर आप घर बनवाना चाह रहे हैं, मैंने बोला हाँ यार बनवाना चाह रहा हूँ, तो आपने बोला कि सर मैं आपका घर बना सकता हूँ, तो मैंने बोला अच्छी बात है, आप अपना कोटेशन वगैरह मुझे दे दो। ठीक है, तो परमार गए सिर्फ और सिर्फ एक 2D प्लानिंग लिया ऑटोकैड में, फटाफट ड्राफ्ट किया कि आपको एक रूम इधर दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, मेरे पास आ गए परमार। और वहीं पर अनुराग आए, तो अनुराग ने क्या किया, बढ़िया सा 3D मॉडल बना लिया। ठीक है, जितना ये दिख रहा है इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल बना लिया। मॉडल बनाने के बाद एक बिल ऑफ क्वांटिटी भी लेके चले आए मेरे पास और बता दिए कि भाई आपका इतना प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगेगा और ये मॉडल मैं आपको बना के देने वाला हूँ और ये एग्जैक्टली इसकी ये प्लानिंग रहेगी, और आपने रेंडर भी पूरा वॉक थ्रू पूरा दिखा दिया, इम्प्रेस कर दिया मुझे। अब आप खुद सोचो कि मैं प्रोजेक्ट किसको दूंगा, प्रोजेक्ट में उसको दूंगा जो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा। सोचो कि 2 मिनट के अंदर आपके साथ बेनिफिट कितना बड़ा हो गया। आपने एक बंदे ने क्या किया, सिर्फ प्लानिंग लेके आया, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, जब क्लाइंट मुझे प्लानिंग नहीं समझेगा उतना, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर थोड़ी हूँ,
ठीक है, तो मुझे क्या समझेगा, मुझे तो ये जो लुक दिख रहा है यही समझेगा ना। तो ये लुक अगर आपने बना लिया और सॉरी रेबिट के अंदर ही आपने BOQ निकाल दिया और बता दिया कि आपका इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा, अगर आप लोन करवाना चाहते हो तो ये आप बिल ले लो, जाओ आराम से लोन के लिए आप अप्लाई कर दो, आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बनाने का गारंटी मेरी है 110%, अनुराग को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बेनिफिट होता है आपका इसके अंदर। अब इसी में थोड़ा और डिटेल में, तो रहा छोटी छोटी बिल्डिंगों की बात कर लिया मैंने, थोड़ा और बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं क्योंकि ख्वाब बड़े होने चाहिए। तो और बड़ी बिल्डिंग मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर अगर मैं आ जाऊँ, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर थोड़ा डीप में अगर कोई बड़ा सा ऐसे बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, और आपने उसके अंदर एक प्रॉपर क्या क्या निकाल के दे दिया, देखो ध्यान से ये सब बीम का ही काम है। ठीक है, आपने बोला कि एग्जैक्टली आपके घर के अंदर सनलाइट इतनी आएगी, थोड़ा वेंटिलेशन की कमी हो रही है इसलिए मैं आपके घर के अंदर ग्लास लगाऊंगा जिससे फुल वेंटिलेशन मिले, सनलाइट की एंट्री ढेर सारी मिले। आपने बोला कि सर एग्जैक्टली हम एक ब्लॉक बाहर से परचेस करके लाएंगे, आपके बिल्डिंग के बाहर वो ब्लॉक लगा देंगे तो देखने में इफेक्टिव लगेगा। तो मतलब प्री फैब्रिकेशन भी दिखा दिया आपने, एनर्जी एनालिसिस भी दिखा दिया, BOQ भी दिखा दिया, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स भी दिखा दिया। अब क्या होगा, मेरा दिल गदगद हो जाएगा, मैं बोलूँगा भाई क्या मस्त इंजीनियर है, मतलब पूरी डिटेलिंग्स मुझको दे रहा है, इसी को मुझे पूरा पूरा प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो BIM क्या करता है, आपको हेल्प करता है, मतलब टेक्नोलॉजी का मेन काम क्या है, हेल्प करना। हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो जुड़ पाए ना यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सर्विस प्लानिंग एंड 3D मॉडलिंग थी ना स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आगे बताता हूँ। सर्विस प्लानिंग का मतलब होता है MEP वर्क, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क। आज के टाइम में जितनी भी क्लोज बिल्डिंग बन रही है, क्लोज बिल्डिंग मतलब जो बड़ी बड़ी हाई राइज आप देखते होंगे ग्लास वाली बिल्डिंग, उन सब में ये लगाना कंपलसरी है फॉर वेंटिलेशन, ठीक है, फॉर एयर कंडीशनिंग, ठीक है, सबके लिए हमें ये करना कंपलसरी है, उनको हम ओपन नहीं रख सकते हैं, गॉट इट। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो कई ढेर सारी कंपनियां हैं जैसे कि आपने सुना होगा एसरे है, ठीक है, जॉनसन्स कंट्रोल है, ठीक है, नील सॉफ्ट है, ऐसी ढेर सारी कंपनियां सर्विस प्लानिंग से लाखों रुपए कमाती हैं। करना क्या रहता है, वो बोलती हैं कि हम एग्जैक्टली आपको क्या क्या दे देंगे, आपको 3D विजुलाइज करके दे देंगे कि आपकी डक्टिंग इधर इधर से जाएगी, देखो रेड कलर की जो है फायर फाइटिंग की लाइन है, फायर फाइटिंग की लाइन इधर से जाएगी, जो ब्लू कलर की दे रही है केबल ट्रे है, यहाँ से तार वगैरह आपकी पूरी की पूरी जाती है। तो ये सब आपको प्रॉपर एक बार एनालाइज करके मॉडलिंग करके दिखा दिया, बोला कि अगर आप मेरी कंपनी से आप लगवाते हो तो आपको इतने इतने कोटेशन का ये पड़ेगा, हम आपको ये भी दे देंगे कि आप क्लैश लिखे ना क्लैश व्यू क्लैश पॉइंट चेकिंग, मतलब हम आपको चेक करके दे देंगे कि कोई हमारी जो पाइप है किसी से टकराएगी नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बिल्डिंग के अंदर, जब बिल्डिंग बन जाती है उसमें जब कभी ये सर्विस प्लानिंग मतलब MEP वर्क करना होता है क्लैशिंग बहुत निकलती है, तो क्लैशिंग न निकले इसके लिए भी वो प्रॉपर कंपनियां बोलती हैं हम आपको मॉडलिंग करके चेक करके देंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। क्लैशिंग कैसे होता है आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्लैशिंग क्या होता है, फिर ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट है बट तब भी जानना चाहिए। देखो यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल बने हुए ना, ये क्या हो रहा है, लफड़ा हो रहा है ना, ठीक है, ये भाई साहब फायर फाइटिंग की लाइन लेके जा रहे थे, सामने से हमारी एक बीम आ रही थी, हम बीम थोड़ी तोड़ने देंगे, गॉट इट। तो अब जो MEP की प्लानिंग करवा लेता है वो सब कुछ इजी वे में उसको पता है किधर से लेके जाना है। अब इधर देखो एक पाइप है 1600 mm पे जा रही है, अब आपकी हाइट अगर क्या बोलते हैं थोड़ी अच्छी खासी है तो आपके सिर में टकराएगा, ठीक है। आप नीचे देखो यहाँ पर बड़े से रेक्टेंगल में दो पाइप आपस में टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लैश व्यू मॉडलिंग, इसको निकालने के लिए नेविस वर्क को यूज करते हैं, ठीक है, इसको निकालने के लिए नेविस वर्क में क्लैश व्यू का पूरा चार्ट निकाला जाता है, ये सब भी बीम का ही पूरा का पूरा पार्ट है। इसके बाद होता है बीम के अंदर मतलब कि ठीक है क्लैश वगैरह हो गया, आपने समझ लिया कि 3D विजुलाइजेशन कर लेंगे, प्री फैब्रिकेशन कर लेंगे, मतलब ये सब बना नहीं है अभी, सब कुछ लैपटॉप पे आप करके चेक कर रहे हो, कितना बड़ा फायदा हो रहा है, 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, सारा पहले से चेकिंग। अब बात करते हैं स्टील की, ठीक है, आपने सुना होगा टेकला, ठीक है, तो टेकला सबसे बेस्ट काम करता है, वैसे टेकला के जगह पर अभी स्ट्रक्चर को भी अल्टरनेट में ले सकते हो, बट टेकला एक ब्रांड चीज है, ठीक है, तो ये काम टेकला में हुआ है, तो हम लोग बीम के अंदर टेकला भी आपको टीच करते पता ही होगा। तो टेकला के अंदर क्या होता है, GA मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स निकाल सकते हो, शॉर्ट ड्राइंग निकाल सकते हो, डिटेल ड्राइंग निकाल सकते हो, कहाँ पर कौन सा कनेक्शन देना है, कॉलम स्प्लाइस, देख रहे हो यहाँ पर कॉलम्स कॉलम से जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस, बीम बीम से जुड़ता है उसको बोलते हैं बीम स्प्लाइस, कौन सा कनेक्शन कहाँ देना चाहिए। अभी आपका पार्किंग बना नहीं है, आपका वाटर टैंक का स्टैंड बना नहीं है, आपने सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ही देख लिया, जीरो इन्वेस्टमेंट में फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया, कितना बड़ा बेनिफिट है, इससे क्या चाहिए। इसके बाद है आपका कि मतलब कि ठीक है ये सब तो हो जाएगा, ठीक है इससे फायदा हो गया, सॉफ्ट ड्राइंग सबको पता होगा, व्हाट इज सॉफ्ट ड्राइंग कमेंट करके बताइए, व्हाट इज सॉफ्ट ड्राइंग्स,
व्हाट इज सॉ ड्रॉइंग्स, कमेंट करके बताइए, देखता हूँ किसको पता है। इसके अलावा इंटीरियर के भी प्रोजेक्ट्स आप भीम के अंदर कर सकते हो दोस्त, इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर सकते हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, आप इसके अंदर अच्छी सी चेयर्स लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, अच्छी सी चेयर लगा सकते हो, चेयर मतलब एकदम प्रॉपर विजुलाइज हो रहा है। आप सोचो इंटीरियर का प्रोजेक्ट आप अगर ऐसे करके मेरे पास लेके आओगे मॉडल, तो सॉफ्ट ड्रॉइंग क्या होता है किसी को नहीं पता है भाई साहब, गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, बट अभी सॉफ्ट ड्रॉइंग मुझे जानना है कौन कौन जानता है। ठीक है, गलत ही बता दो, सही हम बता देंगे। कम यहाँ पर चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 3D विजुलाइजेशन एंड फोटो रियलिस्टिक अगर आपने दिखा दिया तो ये फिक्स है कि इंटीरियर का पूरा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर ही करते हैं। ये सब तो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, ये सब तो मैंने क्या आपको दिखाया, ट्रेलर दिखाया कि क्या क्या काम करते हैं। आओ अब डिटेल में थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, आओ अब डिटेल में थोड़ी शुरुआत करते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज बीम। तो बीम का जो पूरा काम चलता है वो चलता है डिटेलिंग्स पे, किस पे चलता है, ओके आपका बोल रहे हैं कि नो सर, ओके इन्होंने बोला फेबिशन ड्राइंग, इन्होंने बोला समेशन ड्राइंग्स, ठीक है सर, लगभग लगभग काफ़ी लोग सही जा रहे हैं, ड्राइंग सबमिटेड बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर, काफ़ी हद तक सही जा रहे हो राहुल, और लोग बता लो उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली बीम अब स्टार्ट होता है, जो अभी तक दिखा रहे हैं तो बच्चों वाली चीज़ें थी। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली बीम क्या होता है। तो बीम के अंदर लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, आप लोग अगर कभी बीम की कंपनी में अप्लाई किए होंगे तो वहाँ लिखा होगा LOD 300, यहाँ पे लिखा होगा LOD 350, यहाँ तक का हम काम करके आपको देते हैं, यही सब कंपनी आपको बताती है। तो क्या होता है ये LOD 100, क्या होता है LOD 200, क्या होता है LOD 300, 350, 400, 500, क्या होता है ये, यही समझना इम्पोर्टेंट है। अब आपका बीम स्टार्ट हो रहा है, फोकस होके 15 मिनट दे दो बस। ठीक है, 15 मिनट बाद आपका सारा क्वेश्चन सुनूंगा, आओ डिटेल में समझते हैं। राहुल बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स सबमिटेड बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर, सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, सॉफ्ट ड्राइंग को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, जो हम सबमिट करते हैं एक पूरी कंप्लीट ड्राइंग्स का, तो उसका जो सेट बनाते हैं जिसमें जीए ड्राइंग्स रहता है, फैब्रिकेशन ड्राइंग रहता है, इरेक्शन ड्राइंग्स रहता है, सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड सॉफ्ट ड्राइंग्स। चलो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं दोस्त। इसमें होता है LOD 100, LOD 100 मतलब होता है प्री डिजाइन, मतलब अभी सिर्फ सोचा है कि कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अभी कुछ सिर्फ सोचा है कुछ ऐसा बनाएंगे। LOD 200 मतलब अरे थोड़ा उसको सही तरीके से कर लो, बनाना तो है। ठीक है, सिस्टमेटिक डिज़ाइन मतलब 2D में एकदम बढ़िया से ड्रॉ और कर लिया कि ये चीज़ इधर रखेंगे, ये चीज़ इधर रखेंगे, ये चीज़ इधर रखेंगे, ये सारा काम किसके अंदर आता है, LOD 300 और LOD 200 के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिज़ाइन। इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया व्हाट इज LOD 200, तो आप सीधे एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, सिस्टमैटिक डिजाइन इज कॉल्ड LOD 200। ओके, नाउ विल डिस्कस LOD 300। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम कंपनी LOD 300 तक काम करती हैं, जो सिर्फ इंडिया में काम करती हैं, जो फॉरेन के साथ मिलकर काम करती है, मतलब जो MNCs कंपनी है वो LOD 500 तक भी करती है। ठीक, LOD 300 मतलब होता है डिजाइन डेवलपमेंट, एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, उसका एलिवेशन क्या होगा, लुक कैसे होगा, कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ लगा होगा, ऑल डिटेलिंग्स कर लेना, इसको बोलते हैं डिजाइन डेवलपमेंट, जो कि आता है LOD 300 के अंदर में। और LOD 315 के अंदर सारा डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, एस्टिमेशन कितना लगने वाला है, कॉस्ट कितना लगने वाला है, क्या क्या पेपर्स रिक्वायर्ड हो गए, समेशन ड्राइंग कौन कौन सी है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर्क कम्स अंडर 350। कुछ कंपनियां 350 तक भी काम करते हैं, गुड़गांव वगैरह की कंपनियां जो रहती हैं। ठीक है, LOD 400 के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टेज कैलकुलेट करते हैं, कब कितना बन जाएगा, होल स्टेज आर कवर इन LOD 400। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत कुछ है और डिटेल में समझा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन स्टेज बोलते हैं। और LOD 500 मतलब होता है कि एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, गोला देखो बड़े वाले, आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, इंजीनियर भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो भी रिक्वायर्ड हो रहा है, और जो ऑनर है वो तो भाई रहेगा रहेगा। ठीक है, तो ये सब मिल के इस दुकान को चलाते हैं, मतलब ये सब मिल के पूरा का पूरा बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। याद रखना, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसका डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा होता है, रीज़न ये होता है लोग कम होते हैं। आज के टाइम में BIM के अंदर जॉब स्विच करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, BIM के अंदर भीड़ नहीं है। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में भीड़ है ना, आज से 2 साल बाद देखना वहाँ पर रिसेशन आ जाएगा,
आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम करती है, सब मुझे रोज मैसेज करते हैं, सर आईटी में चला जाऊं क्या, ये हो रहा है क्या। 1 साल 2 साल तो रुको, 2 साल बाद ऐसी हालत होगी जहां एआई डेवलप हो गया ना, ये कोडिंग वोटिंग वालों के नमस्ते लंदन हो जाएंगे, ठीक, गायब हो जाएंगे। इसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलेगी, और जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग बेस्ड कंपनियां हैं, जो कि मतलब कि सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, वो सब गायब हो जाएंगी, ठीक है। उनका डिमांड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एआई से ही सारा काम मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखो कि बीआईएम अभी नई टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड कर लोगे तो आपका अच्छा करियर हो जाएगा। LOD 100 मतलब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। ये PPT आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रुप जो है उस ग्रुप में आ जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो उसको। सारा जितना पढ़ा रहा हूँ सब कुछ ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करते हैं, थोड़ा आराम से मतलब एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर हम लोग एरिया, हाइट, वॉल्यूम, लोकेशन, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ समझते हैं। और LOD 200 में क्या देखते हैं दोस्त, इसमें देखते हैं सिस्टमेटिक डिजाइन, कैसा शेप होगा, कैसा साइज होगा, कैसा लोकेशन होगा, ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन फुल निकाल लेना, वो आता है सिस्टमेटिक डिजाइन के अंदर। ज्योमेट्रिक के साथ असेंबली कैसी होगी, दिखेगा कैसा, ठीक है, क्वांटिटी क्या क्या लग जाएगी, ये सब निकाल लेना, ये आता है LOD 300 के अंदर में, ठीक है। और LOD 350 के अंदर आता है पूरा का पूरा डिटेल एलिमेंट, कौन सी चीज एग्जैक्टली कैसे कैसे लगने वाली है, रेलिंग लगने वाली है तो रेलिंग कितना कितना लगने वाली है, लिफ्ट लगने वाला है तो कितने कितने साइज का कौन कौन सा लिफ्ट लगने वाला है, लिफ्ट का एग्जैक्टली पूरा का पूरा लोड कितना आने वाला है बिल्डिंग के ऊपर, सब कुछ ये डॉक्यूमेंट के अंदर कवर हो जाता है। फैब्रिकेशन एंड असेंबली के अंदर आपको पूरा का पूरा एग्जैक्टली कौन सा मेंबर कैसा बनेगा, असेंबली उसकी फैब्रिकेट कैसा होगा, फुल इंफॉर्मेशन निकाल लेना, ठीक है, मतलब एक एक लेवल निकाल लेना, वो सब कुछ किसके अंदर आ गया, LOD 400 के अंदर। और LOD 500 के अंदर आता है एस बिल्ट, एग्जैक्टली जब आप सबमिट करोगे किसी चीज को तो कैसे उसका मेंटेनेंस, ऑपरेशन, एवरीथिंग कैसे कैसे होगा वो दिखा देना, दैट इज केम्स अंडर LOD 500। मतलब एग्जैक्टली आपने चाबी देना है अब कि भाई अब बन रहा है, लेकिन ये सब लैपटॉप पे बन रहा है, ठीक है, कुछ भी ऑन साइट नहीं हो रहा है, याद रखना भीम का सबसे बड़ा रोल यही है, कुछ भी ऑन साइट नहीं हो रहा है, सब कुछ लैपटॉप पे चाबी दे रहे हो, मतलब आप अपने लैपटॉप से मेल कर रहे हो किसी को कि देख लो भाई एग्जैक्टली लास्ट स्टेज ये होगा आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। इससे बहुत पैसा बचता है लोगों का, बहुत लॉस से बचते हैं लोग, क्यों बचते हैं लॉस से, एग्जैक्टली पहले से सब कुछ पता चल गया, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, उसको पहले से ही रिमूव कर देंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके अंदर रहते हैं, इसी के अंदर होते हैं। ये क्या होता है LOD 00, क्या होता है, ठीक है, 00 मतलब जस्ट प्लॉट है आपके पास, फ्री लैंड है, अभी कुछ प्लान नहीं किया। LOD 100 मतलब कुछ ये एरिया को कपड़ करेंगे, इस एरिया में काम करेंगे। LOD 200 इस इमेज को दिखाने का पर्सपेक्टिव ये है कि आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाए। 200 मतलब कुछ दिमाग लगा लिया, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कर लिया कि स्लोप देंगे क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत होती है, ठीक है। LOD 300 के अंदर थोड़ा और डिटेल में चले गए, भाई बाउंड्री उन्टी देनी पड़ेगी, सोलर पैनल वोलर लगाना पड़ेगा। 400 के अंदर और डिटेल में चले गए कि सनलाइट कहाँ से आएगी, रेलिंग नहीं दोगे तो फिर नीचे अंधेरा हो जाएगा। देखो LOD 300 के अंदर क्या था, सीधे पैनल भर दिया, अब वेंटिलेशन कहाँ से जाएगा, तो ये सब दिमाग लगाना वो सब किसके अंदर आ गया है, LOD 400 के अंदर आ गया। एक जस्ट इमेज है जिससे आप थोड़ा सा और अंदाज लगा सकते हो LODs के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है LOD, वैसे तो इसका डिटेल भी है बट इतना डिटेल भी आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। अब आते हैं इसके बारे में, जो आप लोगों ने ढेर सारे BIMP वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। 200 क्या, LOD 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, 4D क्या होता है, 5D, 6D, 7D क्या होता है। तो इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपका मोबाइल का होता है ना, पहले 1G आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, ठीक है। 5G वाली दुकान अंबानी की अच्छे से चलने वाली है, तो आगे और भी चीज हो सकता है, आती रहे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होता है 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, 2D तो आपको पता है तो उसकी दुकान नहीं बताऊंगा यहाँ पर कुछ भी। 3D मतलब एग्जैक्टली कैसा मॉडल दिखता है, ठीक है, आपके सोसाइटीज में देख तो ऐसा होता है ना कि मेरा घर ऐसा बना दो ना साहब कि एकदम मतलब एकदम इस गली में, इस एरिया में ऐसा कोई ना हो, ठीक है। स्कैन टू बीम बताता हूँ आगे आएगा कल डाल भी, स्कैन टू बीम, ठीक है, अपना स्टूडेंट है, ठीक है। स्कैन टू बीम के अंदर वैसे चलो वैसे टॉपिक छेड़ दिया तो बता देता हूँ, लेजर स्कैनिंग करते हैं। लेजर स्कैनिंग क्या होता है, जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इन्होंने बोला है स्कैन टू बीम क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। और क्या बोल थोड़ा डिटेल में अगर जाऊँ तो चलो चला जाऊँ, चलो बताता हूँ। लेजर स्कैनिंग मतलब होता है कि एग्जैक्टली अगर सपोज आज आगरा का ताजमहल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, राइट,
कल को ताजमहल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको रिकवरी कैसे करोगे, उसको मेंटेन उसी हाल में कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो आपके लिए, ठीक है। उसको एग्जैक्टली कैसे करोगे, कल को व्हाइट हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे एग्जैक्टली उसी हाल में रिपेयर करके दोगे, ये सारे इस सारी चीज़ों को करने के लिए आपको पूरा का पूरा यूज़ में आता है आपका स्कैन टू बीम, जिसके अंदर लेजर स्कैनिंग के माध्यम से कैलकुलेट करके रखते हैं। पहले से ही एक ताजमहल बना लिया, ठीक है। इसके लिए कई फारो करके कंपनी बहुत फेमस है जो यही काम करती है, और भी कंपनियां हैं बट फारो फेमस है। तो क्या करते हैं, ये सारा डाटा पहले से रीड कर लेती हैं, डाटा रीड करके एक बढ़िया सा मॉडल और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखती हैं। कल को कोई भी कंपनी ने बोला, मतलब कि सपोज कि कल को ताजमहल में ऐसा हो ना, बट अगर कुछ भी अगर थोड़ा भी डैमेज होता है तो कंपनी मतलब गवर्नमेंट बोलेगा ना, अब इसको फैब्रिकेट करना है, इसको सही से फिर से उसी साल में करना है, तो फारो खड़ी रहेगी उस कंपनी के तौर पे कि भाई मैं पूरा का पूरा मेंटेन करके दूंगा। क्यों? क्योंकि फारो ने सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के पहले से रख लिया है। तो ये सब कुछ आता है इसके अंदर, और थोड़ा डिटेल में पहले इसको समझ लेते हैं फिर आपके क्वेश्चन कवर करता हूँ, नहीं तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो मॉडल के अंदर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि 5D तक होता है क्या? यस, 5D तक होता है। एग्जैक्टली 5D में कुछ मिला के मेंटेनेंस का काम पूरा का पूरा 5D के अंदर आता है, ठीक है। 3D, 3D क्या होता है? BIM 3D मतलब होता है मॉडल जो आप बनाते हो। 4D के अंदर क्या होता है? 4D के अंदर टाइम, टाइम के साथ जनवरी में आपका कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा? यूट्यूब में कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, पहले फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर बीम आई, फिर स्लैब आया, फिर रेलिंग आया, फिर खत्म, राइट। तो कुछ और नहीं था, वो 4D था, ठीक है। 4D मतलब कब कितना बन जाएगा, मतलब जनवरी में कितना काम हो जाएगा, फरवरी में कितना काम हो जाएगा, उसको एनिमेशन के माध्यम से समझ लेना, सो दैट कि हम अपने ऑनर को बोल सकें कि भाई 2026 में आपको डॉट पोजीशन दे दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है इसके नेविस्वर के अंदर कि कब कितना हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए MSP की भी रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हो आप लोग। 5D, 5D के अंदर होता है कि आपको एग्जैक्टली कब कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। वैसे इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कब मार्केट से कितना पैसा उठाना है, ठीक है। तो बुकिंग करते हैं ना लोग, जब कभी भी अपार्टमेंट वगैरह जब सेल करते हैं, यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि पहले सस्ता कर दिया अपार्टमेंट को जिससे ज़्यादा बुकिंग आ जाए, लेकिन जब हमें लगा कि सफिशियंट अमाउंट हमारे पास आ गया है बनाने के लिए, तुरंत वहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्राइस को महंगा कर दिया। 55 लाख जो अभी प्लॉट का सेलिंग था, अभी 60 लाख कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा आ चुका है। जैसे ही हमको लगा कि यार अब पैसा कम पड़ने वाला है, तुरंत फिर से बुकिंग अमाउंट सस्ता कर दिया, फिर तुरंत बुकिंग बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। तो हमें देखना पड़ता है कि जनवरी में कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फरवरी में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, मार्च में कितने की। तो ये प्रॉब्लम तब होता है जब लोग सही से टाइम से पहले कैलकुलेट करके नहीं रखते हैं। जिन्होंने कैलकुलेट करके रखा है, मतलब बी मॉडल में 5D निकलवाया हुआ है, डिटेलिंग करवाया हुआ है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो उसी हिसाब से अपना क्या बोलते हैं प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, उनका कवरेज चला जा रहा है। तो उसको बोलते हैं BIM 5D। 6D में क्या होता है भाई? 6D के अंदर सेंसिटिविटी चेक करते हैं, एग्जैक्टली उसके अंदर जो सनलाइट, जो सोलर पैनल से लाइट आ रही है, क्या वो सफिशियंट है क्या उस पूरे बिल्डिंग के लिए, या फिर ट्रांसफार्मर से कितनी लाइट लेनी पड़ेगी पूरा का पूरा सस्टेन कर पाए हमारी बिल्डिंग्स, ठीक है। आपके अंदर जो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उसके लिए जो सनलाइट से आप ले रहे हो, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं जनरेटर से चला रहे हो, कैसे उसको करवाने वाले, लिफ्ट को सस्टेन करने के लिए एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से आप लाइट का सोर्सेज दे रहे हो, क्योंकि लिफ्ट तो बंद नहीं कर सकते हो। तो ये सारा फैसिलिटीज चेक करना ये आता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर कि चलेगा कि नहीं, और वो मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सारी मेंटेनेंस जो होती है वो 7D के अंदर आती है, जिसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स, इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। डक्टिंग लगा रहे हो तो डक्टिंग के लिए साथ AHC यूनिट लगाओगे, तो AHC यूनिट ये सब थोड़ी सी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के टर्म्स हैं, तो शायद कम समझ आए आपको। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में चेक करते हैं कि भाई सब कुछ मैनेजिंग सही से होगा कि नहीं, वो सब कुछ चेक करते हैं 7D के अंदर। तो अगर आपने 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D कर लिया, अभी 8D भी आ गया है, 8D में पूरा का पूरा मैनेज हो चुका है, अब चलेगा कैसे वो सब चेक करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ अगर आपको आता है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। 2D, 3D तो आप सब जानते हो, जो आपके इमेज में दिख रहा होगा, प्लान बनाया, कई लोगों ने रेबिट के अंदर उसकी मॉडलिंग भी पढ़ी होगी, तो उसका मॉडल बना दिया, तो ये एकदम सिंपल काम हो गया BIM का आपका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा ना BIM के बारे में, जाना मत, अभी आपको BIM के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ाने वाला, इसके बाद जस्ट ये स्लाइड खत्म होने वाली है, इसके बाद आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि
कौन कौन सी जॉब्स होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमने सीखे तो हैं बट एग्जैक्टली अप्लाई कौन से प्रोफाइल पर करना है, फ्रेशर की कौन सी प्रोफाइल होती है, तो वो सब कुछ। ये तो पहले आप सबको पता होगा कि पहले आप 2D में सब बनाते थे ना, आप सेक्शन बनाते थे, अब सेक्शन वगैरह आप सबको पता होना चाहिए, रेबिट के अंदर सब ऑटोमेटिक बन जाता है, तो ये सारा काम इसके अंदर होता है। और 2D से 3D में जाते हैं, ठीक है सर, तो वी एम तो 1D, 1 ID होता है सर, कंफ्यूज कर दिया, तो एक तो ID होता है। अच्छा रुको, अभी क्लियर करता हूँ तुम्हारा कन्फ्यूजन। ID एक अलग चीज़ है, और क्या बोलते हैं ये BM टेक्नोलॉजी पूरा प्रोसेस एक अलग चीज़ है, बताता हूँ, डोंट वरी। अब समझते हैं कि BIM के अंदर क्या सैलरी रेंज है, ठीक है, तो एक साइट है पे स्केल करके, ठीक है। सैलरी रेंज का हमेशा आइडिया दिमाग में रखना, सैलरी हमेशा डिपेंड करता है कंपनी के टर्नओवर पे, सैलरी हमेशा डिपेंड करता है कंपनी के टर्नओवर पे। BIM की जो सबसे पहली प्रोफाइल होती है, पहली दूसरी प्रोफाइल होती है, वो उस प्रोफाइल में जो सैलरी पैकेज में इंडिया में अवेलेबल है, एक रेंज अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख का रेंज है। कितने का? 4.5 लाख का पैकेज है। अब डिपेंड करता है, आप अगर बहुत छोटी कंपनी में हो, स्मॉल स्केल में हो, तो आप 15 से 20 हज़ार की भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके लिए कोई एप्लीकेशंस नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है 7D के लिए। ये सारे ऑपरेशंस मैक्सिमम कैसे होते हैं कि चेक किए जाते हैं, उनके खुद के मशीन्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपको क्या बोलते हैं इस पंचिंग करना है अपने ऑफिस के अंदर, तो पंचिंग करने के लिए उसके खुद के मशीन होते हैं, तो उससे वो चेक किए जाते हैं कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इंडिविजुअल इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है 7D का, ठीक है। तो एवरेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर से कैसे चेक करोगे ये सारी चीज़ों को, तो इसके लिए पूरा एक सर्वर रूम बनाया जाता है। उस सर्वर रूम के अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कैमरा है तो कैमरा को एक्सेस करने का कैमरा वाला खुद से सॉफ्टवेयर देगा, फायर फाइटिंग है तो फायर फाइटिंग को एक्सेस करने के लिए फायर फाइटिंग वाला खुद से सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है। तो वो उनके इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको एक सर्वर रूम में दे देंगे, जहां पर एक सर्वर वाला पर्सन बैठेगा, वो सारा कुछ हैंडल करेगा। समझ गया क्या महापात्र जी? तो यहाँ पर एवरेज सैलरी जो इसमें इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो लगभग 4.5 लाख की अवेलेबल है। बट याद रखना, ये एवरेज इसलिए है कि इससे भी ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी कम लोग ले रहे हैं। रीज़न, कंपनी का टर्नओवर, अगर टर्नओवर जो है वो ज़्यादा है तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, टर्नओवर कम है तो सैलरी कम मिलेगी। तो अगर बहुत ही स्मॉल लेवल की कंपनी में हो तो 15 से 20 हज़ार की जॉब है, अगर आप मीडियम लेवल की कंपनी में हो तो 20 से 30 हज़ार रुपए की जॉब है, और अगर आप एमएनसी के अंदर हो तो 30 हज़ार से 50 हज़ार की जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। और कई लोग इसमें से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर डेली सेलेक्ट होते रहते हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट होते हैं, जुड़े होते हैं, गुरुकुल में भी कई स्टूडेंट्स ज्वाइन होते रहते हैं, तो हमको तो एग्जैक्टली लाइव पता है कि कौन सी कंपनी क्या ऑफर करती है, ठीक है। तो इसलिए एवरेज अगर तुम पकड़ के चलोगे तो हर डोमेन से अच्छा पैकेज आपको BIM के अंदर मिलेगा, सिविल की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा इसमें पैकेज रहता है। और अगर आप इसमें बाहर भी जाना चाहते हो, ठीक है, US वगैरह में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर तो BIM का जो सबसे बेसिक प्रोफाइल है उसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, हायर प्रोफाइल का तो छोड़ दो। तो आपका अगर मन करे तो आप बाहर भी जा सकते हो। USA का एक छोटा सा एवरेज पैकेज लिया हुआ है हमने, $85,000, लगभग ये कुछ 60-65 लाख के आसपास आता है एक BIM इंजीनियर की सैलरी, ठीक है। BIM मैनेजर की आप नीचे देख रहे होंगे लगभग 1,22,000 डॉलर, मतलब अप्रॉक्स मान के चलो 1 CR के आसपास BIM मैनेजर, इंजीनियर मैनेजर की जॉब होती है, उसमें अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी होती है। तो बाहर भी अगर आप जाते हो तो BIM में काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज है, इंडिया में भी 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक के पैकेज आपको मिल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है तो अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई लोग सोच रहे हो कि सर इसकी प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा बता देते तो मज़ा आ जाता, तो बस 5 मिनट का काम और बचा हुआ है, ठीक है, 5 मिनट का काम और बचा हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। अतुल अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, जस्ट थोड़ा सा इंतजार कर लो, बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से BIM में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और उन जॉब्स को करना कैसे है, मतलब कि कौन कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो BIM के अंदर अगर जॉब देखोगे तो लगभग 8 से 9 जॉब जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ सबके बारे में बताऊंगा धनंजय, जस्ट थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। BIM के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे बेसिक प्रोफाइल होती हैं वो भी डिस्कस करता हूँ, और जो डिटेल लेवल की प्रोफाइल होती है वो भी डिस्कस करता हूँ, फिर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है जी। तो BIM के अंदर जो जनरली जो पहली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है BIM मॉड्यूलर की, किसकी होती है? BIM मॉड्यूलर की।
सबसे आसान जॉब, सबसे जल्दी लगने वाली जॉब यही जॉब होती है। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर BIM मॉड्यूलर का जो प्रोफाइल होता है, इसके अंदर मॉडलिंग का काम करते हैं। अगर आपका कैरियर गैप बहुत ज़्यादा है, अगर आपको देख रहे हो कि मेरा 6-7 साल का सर कैरियर गैप हो गया है, 5 साल का कैरियर गैप हो गया है, कंपनी पूछ रही है, कुछ मत करो, आप अच्छी सी मॉडलिंग सीखो और एक स्टैंडर्ड सा पोर्टफोलियो बना लो, ठीक है। कंपनी के अंदर बहुत जल्दी हायरिंग हो जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल रेंडर अच्छा चाहिए आपका, 2D ड्रॉइंग्स अच्छी बनानी आनी चाहिए, 2D से 3D बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। BIM मॉड्यूलर सबसे पहली प्रोफाइल होती है BIM के अंदर। अगर BIM ड्राफ्टमैन की जरूरत नहीं है कंपनी में तो अदरवाइज पहला BIM ड्राफ्टमैन, दूसरा BIM मॉड्यूलर, तो लंबा लंबा दोनों का काम एक ही रहता है। तो BIM मॉड्यूलर के तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपने बोला सर थोड़ी अच्छी सैलरी चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा पैकेज चाहिए, 6-7 लाख तक का पैकेज चाहिए, तब आपको BIM डिज़ाइनर की प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। नहीं, BIM में साइट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त, ठीक है, साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि आज के टाइम में आपको साइट का जनरल इन्फॉर्मेशन सबको होता है। BIM डिज़ाइनर की बात करते हैं, ठीक है। BIM डिज़ाइनर मतलब होता है BIM मॉडलिंग इन ऑल फेसेस। अगर आपको आर्किटेक्चर भी आता है, स्ट्रक्चर्स भी आता है, MEP भी आता है, ऑल फेसेस, ठीक है, नेविस वर्क भी आता है, टिकला भी आता है, और सिस्टमेटिक एज बिल्ड ड्राइंग्स, एग्जैक्टली कैसे सबमिट करना है वहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप BIM डिज़ाइनर के प्रोफाइल पर अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपके पास BIM मॉडलिंग का अगर एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें पैकेज ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू BIM मॉडुलर। आपने बोला सर मुझे और पैसा कमाना है, भूख नहीं मिट रही है, गर्लफ्रेंड की बहुत ढेर सारी डिमांड्स है, कैसे पूरी करूँ? तो अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप BIM डिज़ाइनर से भी अच्छी प्रोफाइल चूज़ करो, BIM इंजीनियर की प्रोफाइल चूज़ करो, ठीक है। BIM इंजीनियर में आपको डिज़ाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल, आर्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सबका नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल टेक ऑफ कितना कब मटेरियल लगेगा इसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, शेड्यूलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है BIM इंजीनियर की। गॉट इट? तो इसमें आप एज ए सिविल इंजीनियर जा सकते हो BIM इंजीनियर की प्रोफाइल पे, इसमें भी अच्छी सैलरी पैकेज रिक्वायर्ड होती है। देखा आपने, हमने कौन कौन सी प्रोफाइल बताया, BIM मॉडलिंग बताया, BIM डिज़ाइनर बताया, BIM इंजीनियर बताया, ठीक है। ये तीनों प्रोफाइल बहुत ही अच्छी हैं और एक तरीके से बोलो तो जल्दी एंट्री इन तीनों प्रोफाइल में मिल जाती है। लेकिन जब इसके बाद की बात आती है नेक्स्ट, तो भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं BIM मैनेजर। क्या बोलते हैं? BIM मैनेजर। इसमें आपको 12 लाख 15 लाख तक के पैकेज आपको मिल जाएंगे। 3 साल मिनिमम रिक्वायर्ड हो जाता है मैनेजर के तौर पर अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली सारा LOD का नॉलेज होना चाहिए, LOD 500 तक फुल डिटेल आपको होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको डिज़ाइनर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मॉडलिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे जो लोग डिज़ाइनिंग करके आएंगे, डिज़ाइनर जो मॉड्यूलर मॉडलिंग करके आएंगे, उनका पूरा आउटपुट चेक करने का काम किसका है? मैनेजर का है। गाली खाएगा तो कौन खाएगा? मैनेजर खाएगा। तो उस भाई सीधी सीधी बात है, इसके लिए ज़्यादा पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसको ज़्यादा सहना पड़ता है ना, तो इसको ज़्यादा सहना पड़ता है, इसलिए BIM मैनेजर की प्रोफाइल इसके पास होती है, ठीक है। कई लोग का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा होगा, टेंशन मत लो, बस खत्म हो गया है, ठीक है। एक पेज और बचा हुआ है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस आंसर्स का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है BIM कोऑर्डिनेटर, ठीक है। BIM मैनेजर के अलावा एक और प्रोफाइल होती है कोऑर्डिनेटर की, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, भी अच्छी सैलरी पैकेज इसके अंदर भी होता है, ठीक है, लेकिन मैनेजर से ज़्यादा नहीं होता है। इंटरेक्ट विथ मल्टीपल कंसल्टेंट, ठीक है। आपको आर्किटेक्ट वाले से बात करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाले से बात करना पड़ेगा, हेलो भाई इधर डक्टिंग की पाइप दे रहे हो सही है क्या, ठीक है, मुझे लगता है इधर से दूसरी तरफ से कहीं से रोटेट कर सकते हो क्या, ठीक है, सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP तीनों से दोस्ती करो, तीनों से बात करके एक कॉमन सोल्यूशन निकाल के आगे फाइल को रोटेट करना, दैट इज केम्स अंडर BIM कोऑर्डिनेटर। ये 5 प्रोफाइल सबसे फेमस प्रोफाइल हैं BIM के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जब आप इन 5ों का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तब आप नेक्स्ट प्रोफाइल्स थोड़ी बहुत हैं जिन पे आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 5ों सबसे मेन प्रोफाइल है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, इंजीनियर, डिज़ाइनर और मॉड्यूलर। इसके अलावा 5 के अलावा ये 4 प्रोफाइल और हैं। एक है BIM फैसिलेटर, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर के लिए होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, जो 7D वगैरह आप लोगों ने पढ़ा।
ऐप डेवलपर, ठीक है, बीआई में ऐप डेवलपर जो आप लोग अभी डायनेमो वगैरह, अभी कुछ किसी ने क्वेश्चन किया था ना, डायनेमो वगैरह आप सीखते हो तो एपीआई की कोडिंग वोडिंग होती है इसके अंदर, वो सब कुछ करके आप इसके अंदर जा सकते हो बीआईएम ऐप डेवलपर के प्रोफाइल पर, बीआईएम एनालिसिस्ट के प्रोफाइल पर, मार्केट में क्या क्या बीआईएम में नया चल रहा है पूरी रिसर्च करने वाला जो इंसान हो वो बीआईएम एनालिसिस्ट की प्रोफाइल पर भी अप्लाई कर सकता है। और एक होता है बीआईएम कंसल्टेंट, जो आपको पता है उसका खुद का सारा काम रहेगा, उसके पास सारे इंजीनियर रहेंगे जो उसको काम करके देंगे। टोटल 9 प्रोफाइल के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, उसके अलावा 2D 3D 4D 5D 6D 7D पढ़ाया और LODs पढ़ाया आपको। तो ये था एक बेसिक समरी ऑफ BIM, ठीक है, मेरी तरफ से। इससे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं रखूँगा, नहीं तो लोग थक जाएंगे। अब आपके तरफ से क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछना रह करें वो क्वेश्चन आंसर आराम से आप सब पूछ सकते हो और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले इनको मैं कवर कर देता हूँ फिर नए क्वेश्चंस को लूँगा, ठीक है, एक मिनट। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट, सॉरी, पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको कवर कर देता हूँ फिर आपके क्वेश्चंस अलग से ले लूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि HVAC का क्या रोल होता है BIM में, होता है क्या? यस, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको अगर हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का नॉलेज है तो आप MEP की जो डक्टिंग होती है, MEP की जो ड्राफ्टिंग होती है बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर मैकेनिकल से हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो थर्मोडाइनमिक्स का होता है HVAC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ डायनेमो बेनिफिशियल इन बीम। डायनेमो अगर आपने सीखा हुआ तो सारे काम लगभग लगभग आप ऑटोमेशन मोड पे कर सकते हो, इसलिए डायनेमो आपके लिए यूजफुल है। डायनेमो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप वर्क अगर डायनेमो से करते हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि सर बीटेक के बाद शुरू से छोटी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए या बड़ी कंपनी। अगर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने कि अगर मैं बीटेक के बाद शुरू से छोटी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या बड़ी कंपनी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अपनी सैलरी ज़्यादा बड़ी चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं भविष्य में सैलरी पे ही काम करने वाला हूँ, मुझे पैसे की भी सख्त ज़रूरत है, तो फिर आपको बड़ी कंपनी में कोशिश करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपना काम करना है, मुझे क्या करना है, अपना काम करना है, तो दोस्त तब आप छोटी कंपनी में जाओ क्योंकि वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा सीख पाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट, धनंजय ने पूछा है नेविस वर्क। तो नेविस वर्क दोस्त क्या होता है, नेविस वर्क 4D और 5D का सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर रेबिट की फाइल को इम्पोर्ट करो, इम्पोर्ट करने के बाद उसका एग्जैक्टली कब कितना काम हो जाएगा उसका 4D पूरा एनिमेशन दे सकते हो। मतलब पहला काम होता है एनिमेशन देना, दूसरा काम होता है कब कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जिसको बोलते हैं 5D, वो काम इसके अंदर कर सकते हो। और तीसरा काम कर सकते हो क्लैश निकाल सकते हो। क्लैश मतलब कोई कोई कॉलम के साथ कोई डक्टिंग पाइप तो नहीं लड़ने वाली है, फायर फाइटिंग की पाइप तो नहीं लड़ने वाली है। तो ये तीन काम नेविस वर्क के अंदर करते हैं, क्लैशिंग निकालना, एनिमेशन निकालना कब कितना काम हो जाएगा, और प्रोजेक्ट पे का प्राइस निकालना कि भाई हमें एग्जैक्टली कितना कितना कब कब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ये पूरा काम नेविस वर्क का होता है। सौरभ ने बोला है कि सर BIM इंजीनियर के लिए साइट एक्सपीरियंस का नॉलेज होना, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। BIM इंजीनियर में आप एज अ फ्रेशर बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि साइट का नॉलेज क्या चाहिए आपको, सबको पता है फुटिंग, सबको पता है कॉलम, सबको पता है बीम और स्लैब, सबको पता है, सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इवन वहाँ जाके वापस आने में थोड़ा टफ हो जाएगा, फ्रेशर सबसे बेस्ट है इसके लिए, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। अब इसके बाद इन्होंने बोला सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर टिकला एंड अबेकस, ठीक है, दोनों में ही डिटेलिंग का ही काम होता है, ठीक है, डिटेलिंग्स करते हैं टिकला के अंदर भी और अबेकस के अंदर ही। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस इतना है कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो दोस्त, ठीक है, मैंने भी सर बता दिया। इन्होंने बोला है कि सर सिविल इंजीनियर MEP कर सकता है क्या रेबिट के अंदर, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास हरीश HVAC का नॉलेज है तो आप MEP आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, इवन पैकेज भी अच्छा मिलेगा। सर कोर्स ड्यूरेशन कितना है, हम यहाँ पर कोई कोर्स के बताने नहीं आए, अपना कोर्स नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए आए हैं, ठीक है ना। कोई कोर्स तो आप सबको पता है कि ऐप पर अपने रखा हुआ है, ठीक है, लगभग 4 महीने लगते हैं पूरा BIM को सीखने में, 4 महीने लगते हैं उमर खान, ठीक है, BIM को पूरा सीखने में। गुरुकुल के अंदर भी लाइव जो बैचेस चलती हैं, बट अभी मेरी सारी बैचेस फुल है तो कोई चांस नहीं है अभी, लेकिन 4 महीने लगते हैं,
जनरल आइडिया आपको बता दिया। सर आपके पास BIM का पूरा कोर्स अवेलेबल है क्या? यस, ऐप में देखो, स्टोर ऑप्शन में देखोगे अमन, स्टोर में पूरा का पूरा BIM 200 घंटे का पूरा लेक्चर है, 200 घंटे का नेविसवर, टेक्ला, स्केचअप, जितना जितना रिक्वायर्ड होता है सब कुछ है उसके अंदर, 200 घंटे हैं। आपके पास पेशेंस है जाके पढ़ लो, सक्सेस जाओगे, लेकिन पेशेंस लगेगा, 200 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है, सबके बस का नहीं है। लोग खरीद के रख देते हैं, ऐसा अगर करने वाले हो तो मत करना, खरीद के रख देते हैं, पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है इतने देर रुकने की। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना अपनी साइड से, बिल्कुल जी कर दूंगा, ठीक है। इन्होंने बोला है सर डिप्लोमा के बाद कैसे बीम में करियर करें? डिप्लोमा के बाद बीम मॉडलिंग का करियर अच्छा हो सकता है आपका। आप ऑटोकैड अच्छे से सीख लो, रेविट आर्किटेक्चर, रेवि स्ट्रक्चर अच्छे से सीख लो, डिप्लोमा के बाद बेस्ट करियर बनता है साहू इसके अंदर, अगर आपने ये दो तीनों चीज़ों को अच्छे से सीख लिया तो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि केवल डिग्री वालों को रखेंगे, इवन डिप्लोमा वालों को BI मॉडलिंग के सबसे ज़्यादा उसी को रखते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। इन्होंने बोला रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर आता है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ रूपल, ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाओ बेस्ट क्वालिटी का, कि एग्जैक्टली आपका पोर्टफोलियो, अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए, ऐप में ही अभी आए ही हो, ऐप में जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहाँ मेरे जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं प्लस जो ऐप के स्टूडेंट हैं वो सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो डाले हुए हैं, 8-9 अपनी पोर्टफोलियो डाल दिया मैंने, आराम से उनको डाउनलोड कर लो, देख लो कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिना पोर्टफोलियो के सिलेक्शन नहीं होगा, ये फिक्स है, ठीक है, पोर्टफोलियो लगने ही लगने वाला है, और पोर्टफोलियो से ही इसमें पहचान होता है कि एग्जैक्टली आपका लेवल कहाँ तक है, ठीक है। ओके, धनंजय बोल रहे हैं कि सर देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेविसवर्क विच आर यूजिंग, उसमें जो नेविसवर्क में जो मैनेज होता है, मैनेज के अंदर सब कुछ होता है, उसके अंदर फ्रीडम भी होता है, तो मैनेज वाला यूज करोगे तो वही सब उसके अंदर सब कुछ होता है धनंजय, ठीक है, देखा वो नेविसवर्क मैनेज, ठीक है, उसके अंदर सारा काम होता है। एक कॉल आ रहा है जिसमें लिखा है विवेक बिंद्रा नहीं भाई, विवेक बिंद्रा भी बिजी होंगे, अभी उनका सेमिनार होने वाला है 12 बजे से, तो कहाँ फ्री होंगे। तो देर आर 3 टाइप्स विच, ओके बता दिया। और लोकेश बोल रहे हैं सर बीम में फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं क्या? सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर पाता है सिविल के अंदर तो BIM वाला ही कर पाता है। अपवर्क पे fiverr.com पे अपना साइट पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डाल दो, ठीक है, 1 से 1.5 महीने लगेंगे, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। एक एक 3D मॉडलिंग का केवल आपको $25, $30, $35 मिल जाता है अगर आपके अंदर क्वालिटी अच्छी है तो। तो सबसे ज़्यादा लोकेश अगर बोलोगे तो सबसे ज़्यादा अगर काम होता है तो इसी के अंदर होता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का, और बहुत आसान तरीका है, ठीक है, कभी फ्री में होकर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर और डिटेल में। सोमेश्वर बोल रहे हैं कि सर बीम अप्लाई के लिए फ्रेशर को कितना नॉलेज चाहिए? फ्रेशर को सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और ऑटो कैड और बीम के कॉन्सेप्ट, मतलब जो LOD, 2D, 3D, 4D, 5D इतना नॉलेज है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन आंसर का पूरा सेट रखा हुआ है, जितना जिसने उसको पढ़ लिया आज तक वो बीम के सारे इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, ठीक है, उतना रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। बीम पार्ट टाइम में सीख सकते हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम में सीख सकते हो आप, आराम से इवनिंग में 1-2 घंटा लगाओ, बीम के अंदर एक्सपर्ट होते चले जाओगे आकाश, ठीक है। महापत्रा बोल रहे हैं कि सर बीम का गुरुकुल का बैच नेक्स्ट कब होने वाला है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, गुरुकुल का पूरा बैच फुल है महापत्रा, ठीक है, अभी लगभग उसमें कम से कम 2 महीना मान के चलिए लगेगा। बेटर ये होगा कि आप वीडियो कोर्स से पढ़ते रहो, जब वो ऑन होगा तो उसमें आप नेक्स्ट एनरोल कर लेना, क्योंकि अभी पूरा पैक चल रहा है। सर वेब एक्सेस दे दो और वेब की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, बिल्कुल जी दे देंगे, बिल्कुल पारेक आपको वेब एक्सेस वैसे मैंने ग्रुप में दे रखा है, बट क्या बोलते हैं फिर से दे दूंगा, डोंट वरी। धनंजय ने बोला थैंक यू, मोस्ट वेलकम। BIM 360 क्या होता है? जिसके भी क्वेश्चन है ऐसे कमेंट करते जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे आपको नॉलेज हो रहा होगा। BIM 360 एक लॉगिन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग उसको बोलते हैं, क्लाउड के माध्यम से अतुल आप अपने घर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करें, उसी प्रोजेक्ट पर मैं काम करूं, ठीक है, आप आर्किटेक्चर का काम करें, मैं स्ट्रक्चर का काम करूं, अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है। मान लो मैं एडमिन हूं, ठीक है, और मेरे साथ 10 लोग की टीम है, सभी अपने अपने घर से बैठ के काम करना चाहते हैं उसी प्रोजेक्ट पे, तो BIM 360 के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, जितना काम करते जाएंगे मेरे मॉडल में पूरा का पूरा रिप्रेजेंट होता जाएगा। तो इसकी ID खरीदनी पड़ती है ऑटोडेस्क की तरफ से, ठीक है, मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है ऐप में ही ना, देखोगे तो इसका फ्री सेक्शन वीडियो है तो उसमें डाला हुआ है पूरा कैसे काम होता है BIM 360 पर, बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है। आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, एक ही प्रोजेक्ट पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सौरभ बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं सर,
खुद की BIM कंसल्टेंसी कैसे करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का स्टेप स्टेप क्या लिया जाए। BIM में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तो सब जो नॉलेज होना चाहिए ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, रेविट आर्टेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको नेविसवर का नॉलेज होना चाहिए, टिकला का नॉलेज होना चाहिए। ये तो फिक्स है अगर आप कंसल्टेंसी का प्लान कर रहे हो। अब इसके बाद आता है कि BIM के प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। प्रोसेस में आपको एग्जैक्टली मॉडलिंग तो फिक्स ही है, ठीक है, उसके बाद 2D 3D 4D 5D का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद बिजनेस को कैसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि बिजनेस कई लोग खोल लेते हैं बट फ्लॉप हो जाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एक साल के लिए किसी छोटी कंपनी में BIM की प्रोफाइल पे काम करके तब अपनी कंसल्टेंसी खोलना, तो आप सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, खोल सकते हो ऐसे भी, बट ऐसे में लॉस होने का ज़्यादा टेंशन रहता है। तो लॉस मतलब सीखना है ना, तो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। दूसरों की कंपनी में लॉस करोगे तो उनका लॉस होगा, तुमको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि किसी बिजनेस को करना है तो पहले जिसने उस बिजनेस को कर रखा है उससे जाके उस काम को सीखना चाहिए, उसके बाद अपना काम करना चाहिए। डेफिनेटली मैं काम तो सिखा दूंगा बट काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि अगर बिजनेस में सक्सेस होना है तो दो चीज़ आना चाहिए, क्या काम करना कैसे है और काम लाना कैसे है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ तुमने सीख लिया अच्छे से सौरभ, तो तुम सक्सेसफुल हो। काम करना कैसे है, काम लाना कैसे है, ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आ गया है तब खोल लेना, उसके पहले मत खोलना, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगे, दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, अमन बोल रहे हैं कि सर मेरा रैबिट आर्टेक्चर हुआ क्या जॉब के अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो पहले बना के तब, बिना पोर्टफोलियो के, बिना कवर लेटर के, बिना रिज्यूमे के, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। एक पोर्टफोलियो दे दूंगा, एक रिज्यूमे दे दूंगा, एक कवर लेटर दे दूंगा और ये स्लाइड्स दे दूंगा, तो आप लोग उनको देख सकते हो। सर इन्होंने बोला सर बीटेक 2020 पास आउट हूँ, बीम की छोटी कंपनी में ज्वाइन करूँ या बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनी में कर लो, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। फ्यूजन 360 का यूज, फ्यूजन 360 भी इसी का ही एक वो है, कॉपी है, जिसके अंदर जैसे आपने BIM 360 को यूज करते हो वो भी क्लाउड पे ही काम करता है फ्यूजन, लेकिन BIM क्या है, ये BIM 360 क्या है, ये ऑटोडेस्क का ही पूरा का पूरा है। ठीक है, फ्यूजन एक अलग क्लाउड कंप्यूटिंग है। सर मैंने आपको CV पोर्टफोलियो मेल किया है, कोई मिस्टेक हो तो बताना। ओके बिल्कुल परमार, सर डायरेक्ट टेक्ला पर जॉब लग सकती है क्या? यस लग सकती है, अगर आपके पास स्टील स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज है तुषार, तो पक्का लग जाती है। स्टील स्ट्रक्चर का अगर अच्छा नॉलेज है दोस्त, तो आप टेक्ला के अंदर बहुत आराम से अच्छी जॉब पा सकते हो। ठीक है, ISMB क्या होती है, खासतौर से PEB प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग क्या होती है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में जो मोमेंट होता है, कैसे मोमेंट के हिसाब से स्टील देते हैं, कैसे कनेक्शंस देते हैं, इसका नॉलेज है आपके पास, तो आप टेक्ला के अंदर बहुत आराम से स्टार्टिंग जॉब ले सकते हो। ठीक है, और IS 800 का पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर, कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्लॉज है, LSM में कैसे कैसे डिज़ाइन करते हो, मतलब लिमिट स्टेट मेथड में कैसे कैसे डिज़ाइन करते हो, ये पता है दोस्त, तो आप टेक्ला के अंदर जॉब कर सकते हो। सर क्वेश्चन एंड आंसर कहाँ मिलेंगे भीम के? क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, डोंट वरी भूषण, ठीक है, ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। सर किसी इंस्टीट्यूट से BIM करने के बाद वो सब पढ़ाएंगे जो आपने बताया है? पर देखो जरूरी नहीं कि वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई फ्रेशर तुमको पढ़ाएगा तो कैसे 5D के बारे में पढ़ा पाएगा? ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जाओ, ठीक है, ऑनलाइन में देखो, या फिर अगर ऑफलाइन में देख लो, किसी के पास एक्सपीरियंस है 5D का 4D का अच्छा एक्सपीरियंस है तब सीखो, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेशर ये सब चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फिक्स मान लो। सर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग एंड बीम इंजीनियरिंग? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पूरा का पूरा एक अलग डोमेन है, बीम एक पूरी की पूरी अलग डोमेन है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बीम के अंदर ही आता है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा है कि उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, ठीक है, बीम मतलब पूरा का पूरा मैनेजिंग एंड क्रिएटिंग, दो अलग दुकानें हैं, एक में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है, और बीम क्या है, पूरा का पूरा क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट, ये पूरा बीम है। ठीक है राहुल, सर एब्रॉड जॉब का कितना साल का एक्सपीरियंस लगता है? एब्रॉड के लिए कम से कम आप 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस लेते हो तो अच्छा रहेगा लोकेश। तो सर बोले सर बी वालों को स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा स्कोप नहीं है, नहीं है क्या, ज़्यादातर कंपनीज ME वालों को ही लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बी वालों को भी लेते हैं, लेकिन बी वालों को नॉलेज होना चाहिए उस लेवल का तुषार, जिस लेवल का उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट करके दे सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो कोई आपको क्यों नहीं रखेगा दोस्त। ठीक है, आप यूनिक्स सिविल में आए, आपने बोला सर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा मैं करके दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आपने क्या किया हुआ है, मेरे को ये फ़र्क पड़ता है मेरा काम होगा कि नहीं।
बट इट तो आप क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसलिए उनको लगता है कि ठीक है एमई वाला रखेंगे तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज रहेगा। बहुत ढेर सारे बी वाले भी स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्त। इन्होंने बोला है कि सर बीआईएम के रैबिट मॉडल पर एक्सपीरियंस के लिए सॉफ्टवेयर सजेस्ट करो। ओके, बीआईएम के रैबिट मॉडल को वीआर एक्सपीरियंस के लिए और एक्सपीरियंस के लिए सॉफ्टवेयर सजेस्ट करो। मैं समझ नहीं पाया पारेख। वैसे अमित कुमार पारेख ने बोला है कि बीआईएम के रैबिट मॉडल को वीआर एक्सपीरियंस के लिए ओके, मतलब मुझे लगता है रेंडर एक्सपीरियंस के लिए ना, विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना। ओके सॉरी सॉरी, इन्होंने शॉर्ट में लिखा था, मैं ध्यान नहीं दिया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप नेविसवर्क को यूज करो। नेविसवर्क मस्त एकदम बेहतरीन क्वालिटी का रेंडर करके दे देता है, ठीक। सॉरी इंस्केप, इंस्केप मस्त रेंडर क्वालिटी एकदम अच्छा वाला दे देता है आपको। अगर आप इंस्केप यूज करते हो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और सबसे हल्का है, ना हैंग करता है ना कुछ, मस्त सॉफ्टवेयर चलता है इंस्केप, और गेट इन टू पी सी डॉट कॉम पे आपको मिल जाएगा ये। इन्होंने धनंजय ने बोला है कि सर व्हाट आर द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर बीम रेवी स्ट्रक्चर्स। रेवी स्ट्रक्चर के लिए आपको लैपिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और स्पेसिंग्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर कितने रेनफोर्समेंट स्पेसिंग देना है। डिटेलिंग्स का फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई क्या बोलते हैं फुटिंग है तो फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे, कोई बीम है तो बीम में क्रैंक कैसे लगाएंगे, क्रैंक के अलावा उसमें क्रैंक का एंगल कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सब नॉलेज अगर आपके पास है तो आप रेवी स्ट्रक्चर्स पर अच्छा कर सकते हो। सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है, प्रोसेस क्या है, और उसमें आप ऐप में देखो स्टोर ऑप्शन में चले जाना। स्टोर ऑप्शन में उमर, उसमें 15-20 लेक्चर फ्री हैं, पहले उनको वॉच करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन भी रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ऐप में जहाँ भी क्लास बैचेस ऑप्शन है ना, बैचेस के जस्ट बगल में स्टोर है, तो स्टोर से कर सकते हो। तुषार बोल रहे हैं कि सर मॉडलिंग का एक्सपीरियंस डिटेलर के लिए काउंट होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। मॉडलिंग का देखो कैसा होता है कि एक्सपीरियंस तो उस पर डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपने प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि मुझे मॉडलिंग प्लस डिटेलिंग्स दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सर बीम की सर बड़ी कंपनी बीम में इंटर्न होता है क्या। यस, अभी बीम में इंटर्न की एक ओपनिंग निकली हुई है। एक कंपनी है वाल्टर पी मोरे, रोहित वाल्टर पी मोरे कंपनी है, मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं कंपनी है वाल्टर पी मोरे, वहाँ पर इंटर्नशिप निकली हुई है। मैं तो जॉब्स गाइड पर हमेशा आपको बताता रहता हूँ। सर इंडिया में बीआईएम का जॉब कैसे सर्च करें, आप कुछ मत करो, सिर्फ जॉब्स गाइड्स वाले चैनल पे मेरे चले जाओ, ठीक है। और वहाँ पर आपको डेली 5 से 6 ओपनिंग्स मिलती हैं। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो मैं रोज बताता रहूँगा कहाँ कहाँ निकली हुई है, ठीक है। बेस्ट बीआईएम की ओपनिंग्स जॉब्स गाइड वाले चैनल पर डेली मिलता है। सर बिना सॉफ्टवेयर नॉलेज के फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, कभी भी मत करना। कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा घोष बिना सॉफ्टवेयर नॉलेज के, बिना टेक्निकल स्किल को कोई भी नहीं करता है, ठीक है जी, जॉब लेने में, ठीक है। इन्होंने बोला बिना मतलब बिना सॉफ्टवेयर के, बिना टेक्निकल स्किल के कोई रखेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, ये तो सोचो, ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्त, इसलिए वो नहीं रखेगा। सीधी सीधी बात है कि आप अपने घर में, अगर मुझे आना है तुम्हारे घर में, ठीक है घोष तुम्हारे घर में आना है, तुमने बोला कि एक कुक की रिक्वायरमेंट है, मैं पहुंचा तुम्हारे घर, मैंने बोला मैं खाना बना नहीं पाता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या जॉब के लिए रखोगे। आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, आप खाना नहीं बना पाओगे तो मैं आपको काहे को पैसा दूंगा, जब मुझे खुद से ही बनाना है तो। सीधे से बात है, ठीक है। सर इंडिया में कौन से रेगुलेशन फॉलो होते हैं, बीआईएम में इंडिया में कौन से रेगुलेशन फॉलो होते हैं। रेगुलेशन तो देखो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग 350 तक काम करते हैं अपना पूरे के पूरे, ठीक है। इसमें रेरा का पूरा पूरा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, बाई लॉस का पूरा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा अगर डक्टिंग कर रहे हो तो एसरे के बहुत ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसको देखना पड़ता है। एसरे क्या क्या बोल रहा है उसके हिसाब से एमईपी की पूरी सिस्टम करने पड़ते हैं। आईएस कोड को फॉलो करना पड़ता है, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें। ऑफलाइन पढ़ते हैं कि नहीं यार, ऑफलाइन तो हम लोग नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन में मस्त रहता है, ऐसे आप आराम से अपने घर से पढ़ पाते हो, कम फी में आपका काम हो जाता है। बीम इंटर्न में होता क्या है, बीम इंटर्न में एग्जैक्टली आपको थोड़ा बहुत काम आता रहता है, थोड़ा बहुत काम वो आपको दे देते हैं, प्रैक्टिस करते करते कम पैसे में आप सीख जाते हो, प्लस कंपनी को भी बेनिफिट हो जाता है। तो सर बोल रहे हैं कि 2D प्लानिंग और मॉडलिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है क्या। यस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप अपनी लाइसेंस बनवा सकते हो, वहाँ से आपका लाइसेंस का काम होता है, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो, और क्या बोलते हैं तो लाइसेंस बनवा सकते हो, और क्या बोलते हैं वहाँ से आप फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आफाक बोल रहे हैं अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलो, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। आफाक आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका माइक ऑन है। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, कुछ समझ में हेलो आया सर, के बारे में। जी सर बहुत समझ में आए, थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस।
सर पूछना ये था कि सर मेरा एक यहाँ पे टीचर यूनिवर्सिटी में, सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, उसने मुझे बताया कि बीम एक क्लाउड है, सो सर मतलब एक क्लाउड टाइप प्लेटफॉर्म है सर, तो इसमें एक्सेस कैसे करेंगे? मतलब अगर मैंने प्राइमरी सीखा सीखा है या मुझे ईटेक आता है, तो मैं इसमें एक्सेस कैसे करूँगा, ये क्या पूछना बताया था है? सर। BIM एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है ऐसा? जी सर, तो मतलब इस क्लाउड बेस्ड सिस्टम में एक्सेस कैसे करेंगे, उसके बारे में गाइडलाइन चाहिए ठीक है, थी। वो एक्चुअली उन्होंने बीम के बारे में नहीं बोला थोड़ा, या तो उनको उन्होंने नॉलेज गलत कर दिया या फिर नॉलेज सही तरीके से नहीं बताया। BIM 360 जो है वो क्लाउड बेस्ड है। BIM 360 को बोलते हैं क्लाउड बेस्ड। वो एक लॉगिन होता है, ठीक है, एक लॉगिन होता है जिसमें, जैसे तुम जीमेल को लॉगिन करते हो, जीमेल तुम्हारे पास है ना, जीमेल, ठीक है, जीमेल अगर तुम्हारे पास है तो जीमेल में कैसे तुम चेंज करते हो? जब तुम्हें रिक्वायर्ड होता है तो जीमेल पे मैं तुम्हें मेल करता हूँ, तुम आराम से मेल को एक्सेस कर सकते हो ना। अब तुम्हें अपने मेल का आईडी का पासवर्ड दूँ तो क्या तुम एक्सेस कर सकते हो अपने घर से मेरा मेल? नो सर। कर सकते हो यार, मैं तुमको पासवर्ड दे दूंगा, आईडी दे दूंगा तो तुम एक्सेस कर सकते हो ना, हाँ तो सर ठीक है। फिर कर तो ऐसे ही BIM 360 का आईडी होता है, ठीक है, जिस आईडी के माध्यम से हम अपने रेबिट सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं एडमिन हूँ उस आईडी का, मैंने खुद परचेस किया है BIM 360 का क्लाउड, ठीक है, तो मैं तुमको काम असाइन कर दूंगा कि आप यहाँ से, आपको आर्किटेक्चर वर्क पूरा का पूरा संभालना है, तो आप मेरी फाइल पर, ठीक है, फाइल मेरे लैपटॉप में रहेगी लेकिन आप अपने घर से मेरी फाइल पर काम करेंगे, इधर से मैं देखता रहूंगा कि आप कुछ सही कर रहे हो कुछ गलत कर रहे हो, सारा मैं कंफर्म है। तो BIM 360 के बारे में उन्होंने बोला, उसको क्लाउड बेस्ड बोलते हैं, आया समझे? ठीक है, जी सर, समझ गए, थैंक यू सर। और BIM क्लाउड बेस्ड नहीं है, BIM एक प्रोसेस है जो मैंने अभी दिखा दिया, जिसमें पूरा का पूरा काम होता है, ठीक है। चलो, किसी और को कोई माइक ऑन करना है जो मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 घंटा पूरा आपको दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो काम होगा फिर बाद में देखेंगे। इन्होंने बोला है कि साहू बोल रहे हैं कि सर बीम की कंपनी के लिए अप्लाई किया है बट अभी तक कुछ अप्लाई, तब तक आपको रिप्लाई नहीं आएगा जब तक आपके पोर्टफोलियो में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं होगा, जब तक कि आपके रिज्यूम में अच्छा सा वर्क नहीं होगा। एक सॉफ्टवेयर होता है ATS, ATS फ्रेंडली रिज्यूम जब तक आपका नहीं होगा, ATS फ्रेंडली रिज्यूम जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपकी CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, ठीक है जी। ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना पड़ता है। किसी दिन अगर आप लोग को चाहिए तो मैं YouTube पे वीडियो बना दूंगा कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कमेंट करके बता देना तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तब तक आपकी CV शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी, चाहे सिर पटक के मर जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी CV बीम के लिए बनी हुई है, ठीक है। अगर तुमको एक वेजिटेरियन खाना वाला चाहिए, ठीक है, अगर तुम खोज रहे हो एक वेजिटेरियन फूड वाला बंदा, ठीक है, और मैंने अपने CV के अंदर लिख रखा है कि मैं बहुत ही अच्छा, क्या नॉनवेज में कौन सा फूड होता है कि क्या, बहुत ही अच्छा चिकन बिरयानी बनाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बनाता हूँ, आपको क्या मतलब है हमारे चिकन बिरयानी से? आपको तो एक वेजिटेरियन कुक चाहिए था ना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि पालक पनीर चाहिए, जैसे मैंने लिखा कि मैं पालक पनीर की एकदम मस्त सब्जी बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा शाही पनीर की सब्जी अच्छी से बनाता हूँ, तुरंत मेरी CV शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। तो ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना पड़ता है दोस्त, तब जाके आपकी CV। मैं अगर CV किसी बना दूँ, वैसे मैं बनाऊंगा नहीं सॉरी, क्योंकि कितना कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं CV बना दूँ तो CV शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्लासेस में बताता हूँ लोगों को, बता सकता हूँ लेकिन बना नहीं सकता, कितने लोग का मैं बनाऊंगा, है ना, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ, ओके, मैं बता दूंगा। इन्होंने बोला यू आर रॉक, थैंक यू सुरेश सर, इट्स हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, थैंक यू। 3ds Max इज द पार्ट ऑफ BIM, यस, 3ds Max आपको हेल्प करता है बेस्ट क्वालिटी का रेंडर करने के लिए। बेस्ट क्वालिटी का रेंडर करना है तो 3ds Max आपको हेल्प करता है। इवन BIM के अंदर एक पार्ट इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आता है, उसमें भी आपको हेल्प करता है 3ds Max। इसीलिए मैंने अपने BIM को जो कोर्स है उसके अंदर ऑटोकैड, रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर, रेबिट MEP, नेविसवर, टेक्ला, स्केचअप, 3ds Max, साथ ही पूरा BIM कॉन्सेप्ट, BIM का इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ आपको बैचेस ऑप्शन में देखना, सॉरी स्टोर ऑप्शन में देखना, सब कुछ डाल दिया है। उसका मेन रीजन ये है कि मुझे पता है कि वहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। इन्होंने बोला है कि BIM सर डायरेक्ट BIM 360 लिखा होता है क्या कंपनीज के जॉब के डिस्क्रिप्शन में? यस, BIM 360 लिखा होता है। BIM 360 बारे में सीखना है तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर डाल दिया है, बैचेस ऑप्शन में चले जाना, उसमें सॉरी क्या बोलते हैं, स्टोर में चले जाना, स्टोर में BIM 360 का फ्री वीडियो है 1 घंटे का, सीख सकते हो कि BIM 360 में क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। 1 घंटे का पूरा BIM 360 का वीडियो है जो कि ओपन है, कोई भी वॉच कर सकता है।
सर आप ओके बता देंगे जी, इन्होंने बोला प्रेमेरा और एमएसपी बाकी कोर्सेज नहीं हुआ अपलोड यूट्यूब पे, ठीक है। यस बाकी नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने उस डेफिनेटली सामने वाले को भी तो उसको तो रिस्पॉन्स चाहिए ना, उसका जो पैरामीटर था कि भाई इतने व्यूज पे उसको उतने पैसे मिलने वाले थे उसके हिसाब से, तो उतना किसी ने पैरामीटर फुल नहीं किया, तो डेफिनेटली उसने बोला कि सर इतने कम में हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो रिक्वायरमेंट होती है कि सिविल का नॉलेज लेने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, तो आपका एक हक बनता है कि अगर ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करते हो तो मोटिवेशन मिलेगा, नहीं शेयर करोगे तो डेफिनेटली कोई अपने जेब से कितना कर सकता है, ठीक है। किसी को भी मैं हायर करता हूँ तो 2000-3000 रुपये पर 2 घंटे 3 घंटे का वो पे करते हैं, करना पड़ता है ना दोस्त, तो 2-3 हज़ार रुपये अगर पर घंटे का मैं ऐसे पे कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स तो थोड़ा बहुत तो चाहिए ना अच्छी चीज़ों के लिए। देखो लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए तो अवेयरनेस फैला रहा हूँ। सर विच ऑटोमेशन ओके यूज्ड इन कोडिंग और वीआईएम, सबसे ज़्यादा पाइथन को यूज़ करते हैं, पाइथन को यूज़ करते हैं, डॉट नेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर पूरी पूरी कोडिंग होती है और अपना जो सॉफ्टवेयर होता है सी और डॉट नेट पर पूरा का पूरा, रेविट आर्ट और रेविट ऑटोकैड सब सी और डॉट नेट के फ्रेमवर्क पर पूरा का पूरा डिज़ाइन होता है। एटीएस टाइप सीवी क्या होता है? एटीएस टाइप सीवी मतलब कि आपकी सीवी रिप्रेजेंट करे सामने वाली कंपनी की रिक्वायरमेंट को, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीवी दिखे, उसको बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए मेरी कंपनी में, तो आपकी सीवी उस चीज़ों पर एक्सपर्टीज दिखे, उसको बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, ठीक है जी। चलो किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अलविदा लेते हैं। बस इतना सा बोलूँगा कि वीडियो यूट्यूब पर आने वाला है, तो आप लोग कोशिश करिएगा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कुछ लोगों तक शेयर कर देंगे, तो आगे मैं एक और पूरा का पूरा वेबिनार लूँगा एलओडीज के ऊपर। एलओडी मैंने आपको सिर्फ फ्रेमवर्क के नाम बताए हैं, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे पता था बाकी लोग थक जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे होता तो और जल्दी जाना पड़ता मुझे। सर रेविट डायनमो, हाँ डायनमो आना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं, अगर आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि सर अपने बीआईएम की कंपनी में कितने टाइम काम किया? ओके मैंने, यार मैंने तो अभी भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। बीआईएम की कंपनी में क्या, अभी बीआईएम का पूरा कंसल्टेंट है हम लोग, बीआईएम का पूरा काम यूनिक सिविल लेता है, स्ट्रक्चर्स का पूरा काम भी यूनिक सिविल लेता है, तो हम तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि अभी मेरे पास लोग काम करते हैं, मैं सिर्फ चेक करता हूँ। चलो अलविदा लें आप लोगों से, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। एंड बस इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कोशिश करिए कि जो ऐसे टॉपिक्स आए जैसे कि यस वो एग्जैक्टली नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल में देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच अमित, अमित एक इनका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने देखा होगा सिविल सोल्यूशंस करके, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमित, और ये इन्होंने भी वेबिनार पूरा ज्वाइन किया। आप लोग इनके चैनल को अगर देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो देखिएगा, काफ़ी अच्छे कंटेंट रहते हैं अमित के, सिविल सोल्यूशंस आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इनका काम है, थैंक यू सो मच आपको भी। और धनंजय बोले कि प्लीज़ शेयर सिंपल रिज्यूमे, ओके बिल्कुल मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। एंड अगला हम लोग वेबिनार करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, व्हाट इज स्ट्रक्चर्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इतना डिटेल कि वो थारा भाई जोगिंदर वाला नहीं दिखाता कि सोची ना होगी, वही वाला एकदम मतलब डिटेल में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैंने कितने मंथ का एक्सपीरियंस, सर मिनिमम कितने मंथ का एक्सपीरियंस काउंट होता है? 6 मंथ से कम अगर एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, 6 मंथ से कम का एक्सपीरियंस कभी भी कंपनी काउंट नहीं करती है। सर टाइम मिले तो मेरा ईमेल चाहिए, बिल्कुल आज तो नहीं पॉसिबल है परमार, क्योंकि आज पैक है शेड्यूल, ठीक है। कल मैं करके मैं रिप्लाई जरूर करूंगा फिक्स है, ठीक है। पॉसिबल टू वर्क फ्रॉम जॉब, यस सबसे अच्छा है बीआईएम के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पूरा क्लाउड बेस्ड काम है ना, तो वर्क फ्रॉम होम आराम से बीआईएम के अंदर कर सकते हो, बाकी दूसरे प्रोफाइल के कंपेयर में सबसे इजीली हो जाता है, और फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा बीआईएम के अंदर मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू थैंक यू।